मेक अदर पीपल कम्स टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ये है लॉ नंबर 8 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। सो हे एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लॉज 48 ऑफ पावर की इस सीरीज में। और ये है लॉ नंबर 8, जो कि आपको सिखाता है कि आपको कैसे लोगों को अपने पास बुलाना है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये लॉ सिखाता है कि आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि लोग आपके पास आए, ना कि आप उनके पास जाओ। इस लॉ का सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन समझाऊं तो, लोगों को अपने पास बुलाओ और जरूरत पड़े तो दाना भी डालो। इन द सेंस, इस लॉ को आप डार्क साइकोलॉजी कह सकते हो, और ये ऑब्वियसली डार्क साइकोलॉजी का ही एक वो है। इसके ना मैं दो तरीके से देखता हूँ इसको। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि लॉ कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि दूसरे लोग आपके पास आए, आपको जाने की जरूरत ना पड़े। एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि दाना यूज करो, मतलब जाल बिछाओ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए जाल बिछाओ। बट इस लॉ का पूरा मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके कि आप इसको कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो दूसरों के लिए। मान लो कि आप लोगों का एक ग्रुप है बच्चों का, 4-6। जब आप छोटे थे तो आप गेम वेम खेला करते होंगे, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह, बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो हमेशा उस ग्रुप में कोई एक ऐसा प्लेयर, कोई एक ऐसा बंदा हुआ करता था जो ये सारी चीजें डिसाइड करता था कि आज क्या खेलेंगे या आज क्या करेंगे। बेशक आप सभी लोग अपने थॉट्स रखते होंगे, अपना रखते होंगे, मुझे ये खेलना है, मुझे खेलना है, लेकिन एट दी एंड बात उसी की मानी जाती होगी जो बताता होगा। वो क्यों? क्योंकि वो उसके औरे की वजह से, उसकी सीनियरिटी की वजह से, बेशक वो आपसे एज में छोटा हो, आपके बराबर हो, लेकिन फिर भी जो उसका औरा था ना, जो उसकी साइकोलॉजी यूज करने की ट्रिक्स थी ना, कि सब उसकी बात सुनेंगे, सब उस तक आएंगे, कोई वो उस तक नहीं जाएगा, सब उसके पास आएंगे और उसकी बात सुनेंगे, तो उस जैसा इंसान आपको बनना है। समझ रहे हो? सारी बातें लोग उसकी सुनते थे, तो आपको उस जैसा बनना है अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि कोई आपके पास आना चाहे। दुनिया उसी के पास आती है जिसको कुछ ना कुछ अच्छा काम आता है, क्योंकि दुनिया को देखो यार, दुनिया भर के काम होते हैं। तो अपने आप को पहले काबिल बनाओ, क्योंकि जब तुम काबिल होगी तभी तुम किसी काम के काबिल बन पाओगे। तो पहले अपने आप को सब चीजों के काबिल बनाओ कि तुम कर सको, और देन उसके बाद फिर लोग अपने आप तुम्हारे पास चल चल के आएंगे। तब तुम्हें लोगों को कैसे यूज करना है तुम्हें ये सोचना है। ये ऐसा लॉ कहता है। ये लॉ तुम्हें ये सिखाता है कि तुम लोगों को उनके लिए यूज करो, अपने मतलब के लिए यूज करो और ग्रो करो, है ना। अपने आप को इस लेवल पे डेवलप कर लो कि लोग तुम्हारे पास आए अपने काम के लिए, लेकिन उनको ऐसा लगे कि उनका काम हो गया, लेकिन जबकि काम आपका होगा। ये है मैनिपुलेशन, ये है मैनिपुलेटिव। ये अगर आप अच्छे से सीख गए ना, तो आप इस दुनिया को ऐसे यूज कर सकते हो, इतने भयंकर तरीके से यूज कर सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता। और इन लॉज में जैसे जैसे डिकोड होते जा रहे हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, मैं भी इतना शॉक हो जाता हूँ कि लिटरली लाइक एक ऐसी कोई चीज़ें लाइक कैसे लिख सकता है इस लेवल पे, और लाइक लिखी, साथ में इनको अप्लाई करना एक टाइप से बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि ये सारे लॉज बहुत ही कुछ सिखाते हैं आपको। तो ये लॉ तो मैंने जब पढ़ा और इसको डिटेल में समझा, तो मैं तो एकदम डर गया यार, कि मतलब इतना भयानक लॉ है कि मतलब अपने आप को काबिल बनाओ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन दाना यूज करो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, वहां थोड़ा सा मेरा माइंड ट्रिक हो गया। इसलिए मैं सोच भी नहीं पाया कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊँ उस लॉ पे, बट फिर फाइनली आज बता रहा हूँ आपको। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और एग्जाम्पल सुनो। मान लो कि आपकी क्लास में, बता ही दिया मैंने आपको कि आपकी क्लास में हमेशा कोई एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा लड़का या एक ऐसी लड़की कोई तो होगा जिसकी सब सुन के चलते होंगे, है ना। अब एक मान लो कि आपके रिलेशन में, आपकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में एक कोई ऐसा इंसान है जिसकी सब मानते हैं, सब ऐसा, आपकी पूरी फैमिली, पूरे खानदान में एक तो कोई होगा ही। हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है, वो आप भी हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है, जिसकी सब बात सुनते ही है। वो कुछ कहेगा तो वो पत्थर की लकीर हो जाता है। क्यों? वो उसके ऑरा की वजह से, उसका ऑरा उस लेवल का है, उसका ऑरा उसको डिफाइन करता है, और ऊपर से उसको पता है कि मैं इस काबिल हूँ। उसने अपने आप को काबिल बनाया भाई, वो उस काबिल है, तो लोग उस तक जाते हैं, वो जो बोलता है लोग सुनते हैं, और वो अपने काम भी निकाल लेता है उसी चीज में। ये है लॉ नंबर 8, लेट पीपल कम्स टू यू,
यूज बेट इफ नेसेसरी, तो इससे आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, बढ़ सकते हो। और इफ अगर आपको पसंद नहीं किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, तो कोई बात नहीं। सीधी बात, आप जब काबिल बनोगे तो दुनिया आपके पास आएगी, दुनिया को आपसे काम रहेंगे, आप उनको करो यार, उनके काम सॉल्व करो, है ना। लेकिन ये नहीं कि अपनी मतलब अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल करके उन्हीं के काम में लगे हो, वो समझ जाओ, क्योंकि आजकल का जमाना आपको पता है कैसा है। तो इस लॉ से आई होप आप कुछ तो सीखे होगे, और जो सीखे वो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। बाकी मिलूंगा एक अगले लॉ की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज करण विजिटर, थैंक यू।